कई लोग कहते हैं जो साइकिल में बेचते हैं वो हाथ नहीं धोते। भाई साहब बगैर हाथ धुले मैं रेडी भी नहीं छूटता। क्या बात है, रेडी भी नहीं छूटता मैं। और ये आ गई भाई इनकी लाल वाली गुड़ वाली चटनी। हाँ जी गुड़ वाली चटनी है। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई ये भैया साइकिल पे बेचते हैं दही बल्ले, वो भी पीली मिर्च वाले। क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, क्या हाल है? बढ़िया भैया जी। तो ये आपकी कार्ट है, इसका नाम क्या है, कुछ नाम रखा है आपने इसका? नहीं, ऐसा है जी, हमारे पिताजी काम कर रहे थे। हाँ जी। उनको मतलब 40-45 साल हो गए। 40-45 साल? हाँ जी। ओ भाई साहब। उसके बाद वो गांव में रहने लगे। हाँ जी। उसके बाद मैं काम संभाल लिया। आपने काम संभाल हाँ लिया जी। और लगभग ये 5 नंबर में मैं रहता हूँ, बेचता हूँ। हमारे पिताजी 5 नंबर में बेचते हैं। अच्छा, मतलब ये दो पुश्ते काम कर चुकी है अभी तक। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे पिताजी के नाम से, पटेल भाई के नाम से सारा 5 नंबर जानता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो पटेल भाई की स्पेशल आज आपको खिलाएंगे हम दही बल्ले। अरे भैया क्या बात है। तो भैया एक बार आपनी चीजें दिखा दीजिए। हाँ क्या क्या आपके पास? दही दिखाइए। अच्छा ये मटका रखा हुआ है क्या आपने इसके ऊपर? मटका है। तो ये देखिए जी भाई, जुगाड़ रखा हुआ है साइकिल पे, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी भाई। ये मटका भैया? हाँ जी, ये रोज धुलाई होता है, ये दही है। ओहो हो भाई, साफ सुथरा होता है, रोज बनाई जाती है। मैं बता दूं, हाँ शाम हो चुकी है तो भैया की थोड़ी दही खत्म हो गई है। हाँ जी हाँ जी, बस दुकानदारी है। ये चटनी है, खट्टी मीठी है। लाल वाली चटनी दिखाना। ये देखो, देखो भाई साहब। ओहो हो, ये गुड़ की होती है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, गुड़ वाली चटनी है ये। हाँ जी, ये चटनी हरी पुदीने की। हरी पुदीने की चटनी। हाँ जी। और ये क्या, किस चीज का बना रखा है आपने? ये लकड़ है, चम्मच है। अच्छा, लकड़ का चम्मच बना रखा है। हाँ जी हाँ जी भैया, स्पेशल ताकि अंदर तक ना डालना पड़े हाथ। हाँ, डालना पड़े हाथ। हाँ, मतलब एकदम हाइजीनिक रहे, साफ सुथरा। हाँ जी हाँ जी, क्या बात है। ये हमारे नमक मसाले हो गए, घर के बनाए होते हैं हमारे। अच्छा, ये घर? हाँ, ये घर के बनाते हैं। ये कौन सी, ये कौन सा मसाला है इसमें? जीरा है, धनिया है इसमें, मतलब बहुत आइटम इसमें। और ये गर्म मसाला? हाँ, ये मिर्च है। मिर्च है? हाँ जी। पीली मिर्च? ये पीली मिर्च है। पीली मिर्च? हाँ जी। ओ भाई साहब, पीली मिर्च तो भाई पुरानी दिल्ली में मिलती है। हाँ जी, दिल्ली से लाते हैं भाई साहब। अच्छा जी, दिल्ली से लाते हो? दिल्ली से लाते हैं। पीली मिर्च तो मैंने सुना महंगी भी आती है। हाँ, वो तो महंगी मिलती है। ओ भाई साहब, ज्यादा महंगी मिलती है। और ये नमक? ये नमक है। अच्छा, इसको ढक्कों में ऐसे रखता हूँ ताकि कहीं भी मिट्टी ना जाए, क्योंकि रोड पे घूमते हो आप। मिट्टी ना जाए, और जो ढक्कन खोलने से बढ़िया हमारे ग्राहक आए हमारे पास। हाँ जी। इसको खोलूं ऐसे करके और ऐसे नमक डाल दे प्लेट में। अच्छा जी। उसके बाद ग्राहक गया हमारा और ऐसे करके ढक दिया, और इसमें धूल मिट्टी से बचत है। ओके, अपना काम हो रहा है। क्या बात है। और इसके अंदर क्या रखते हो बक्से में? बक्से में इसमें भैया ये बर्फ लगी है, भल्ले पापड़ी। ओहो हो भाई, भल्ले देखो होता है, ताकि भल्ले दही के अंदर नहीं रखते, ताकि जितने नहीं, नहीं, जो नहीं, आएगा ताजा ताजा बना के दोगे। ताजा बना के देंगे, ताजा ताजा खिलाएंगे। ये देखो भाई, कवर कर रखा है और इसके ऊपर बर्फ रखी हुई है ताकि भल्ले भी खराब ना हो। हाँ जी भैया जी। और यहाँ पे इसमें डोंगा है, चम्मच है, पॉलीथिन है। अच्छा, सारी चीजें इसके अंदर। तो बढ़िया सा जुगाड़ कर रखा है साइकिल पे। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? भैया जी हमारे पे काम हो गया 15 साल हो गया। 15 साल हो गए। हम घर के पापड़ी होती है। ओहो भाई, पापड़ी। हाँ जी है, देखो साफ सुथरी पापड़ी, बढ़िया, रोज की रोज ताजी पापड़ी। ताजी पापड़ी? हाँ जी। और खराब होती है जो बच जाती है, क्या करते हो? भैया जी हम रोज रोज बनाते हैं। अच्छा, जितनी पापड़ी यहाँ पर आप देख रहे हो, हाँ, इतनी पापड़ी आपको मिलेगी। अच्छा, सामान यहाँ देख रहे हो आप, उतनी सामान आपको मिलेगा। अच्छा, कोई एडवांस काम? कोई एडवांस काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो पटेल जी एक प्लेट लगाएंगे हमारे लिए? हाँ जी भाई जी, क्यों नहीं लगाएंगे। अरे तो क्या बात है, एक मिनट भैया जी। अच्छा, हम पानी भी रखते हैं साथ में। अच्छा। हाँ जी, ये ढक्कन रखता है। अच्छा, पहले हाथ धोते हो? हाँ जी हाँ जी, ताकि एकदम साफ सुथरा मिले लोगों को। ये साफ सुथरा वाला काम है। लो जी, भैया ने हाथ धो दिए। कई लोग कहते हैं जो साइकिल में बेचते हैं वो हाथ नहीं धोते। भाई साहब बगैर हाथ धुले मैं रेडी भी नहीं छूटता। रेडी भी नहीं छूटता मैं। क्या बात है भैया। और भाई हमारे कोई आस पास में खड़ा हो तो बोल देते हो, भैया जी बोतल में पानी डाल लो हाथ में, ताकि हाथ धो ले। हाथ धो ले, अगर नहीं है तो मजबूरन अपने हाथ से उठाना पड़ता। अच्छा अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है ये, आप सफाई का ध्यान रखते हो। हाँ जी हाँ जी। और ये सारा मटके के अंदर रखते हैं, और मटके के अंदर दही रखने से क्या फ्लेवर कुछ बढ़िया होता है? इसमें क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होता है, और जो पानी सोनी हल्का फुल्का रहता है वो भी खींच लेता है। अच्छा जी, ठंडक रहता है। चलो जी, तो भैया से एक प्लेट लगवाते हैं। भैया एक बार भल्ला दिखाना। हाँ जी। ये देखो भाई, भल्ले रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये बर्फ है, और सब साफ सुथरा मिलेगा आपको। भैया यहाँ पे हाथ धो के बनाते हैं, और पानी नहीं जोड़ा।
भल्ले का एकदम पानी निचोड़ दिया। आहा भाई, और ये घी दही में, क्या बात है, दही भी एकदम क्रीमी क्रीमी दही है इनकी। ये मलाई पड़ रही चलते चलते। हाँ हाँ हाँ, तो भैया हमें थोड़े आज लेट मिले। हाँ जी, हाँ जी। और ये आ गई भाई जी पापड़ी। और ये पापड़ी रख दी भैया ने। और ये आ गई भाई साहब दही और भल्ला। ये भैया जी ये पड़ गया नमक, नमक आ गया जी। और ये मसाला हो गया, ये मिर्च हो गई, पीली मिर्च, पुरानी दिल्ली में मिलती है जो। हाँ जी, हाँ जी। और ये मैं बता दूं फरीदाबाद में मैंने सिर्फ भैया पे देखी है पीली मिर्च। और पीली मिर्च आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा मिर्ची होगी, पर नहीं, वो टेस्ट ही बढ़ाती है सिर्फ। और ये आ गई भाई इनकी लाल वाली गुड़ वाली चटनी। हाँ जी, गुड़ वाली चटनी है, ये गुड़ की होती है, ये खट्टी चटनी होती है हरे पुदीने की, और उसके बाद ये फिर से दही। हाँ जी, ओ भाई साहब, ताकि हमारे ग्राहक खुश होके जाएं। क्या बात है भाई, फिर से मसाला। हाँ जी, ये देखिए जी पटेल जी की प्लेट एकदम रेडी हो गई है। ये और मैं चम्मच निकालता हूँ। अच्छा, और एकदम नीट एंड क्लीन मामला है, सारा साफ मामला है। तो पटेल जी कितने की प्लेट हो गई है भैया जी? आपके 30 रुपए की बनाया हूं। 30 रुपए वाली बनाई है मेरे लिए। हाँ जी, तो मेरे लिए थोड़ी स्पेशल बनाई है। और वैसे कितने की होती है अगर कोई खाए? वैसे भैया जी हम बेचते हैं 25 रुपए। 25 रुपए की। हाँ जी। लो जी, तो मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा दही और चटनी पसंद है तो मैंने ज्यादा डलवाई है, तो उसके 5 रुपए भैया ने थोड़ा 30 वाली प्लेट बना दी मेरे लिए। हाँ जी, हाँ जी। और कैसे कोई 10-15 रुपए की मांगे वो भी बन जाती है थोड़ा सा? भैया देखो हमारा हिसाब किताब अलग है। अच्छा, सिंगल भल्ला होता है 20 का। अच्छा, और डबल होता है 30 का। डबल होता है 30 का। तो जो 25 में बनाते हैं, हाँ, हम एक भल्ले डालते हैं। एक भल्ला भी डाल देते हो? एक भल्ला डाल के 5 पापड़ी डाल के 25 रुपए लेते हैं। 25 रुपए लेते हैं, उसमें बचता क्या होगा आपको? बचता क्या भैया, प्यार मोहब्बत है बस, चल रही गाड़ी। अच्छा जी, हाँ जी। तो एक बारी प्लेट दिखाते हैं आपको। मात्र ये हमारी 25 और 30 रुपए की प्लेट होती है। हाँ, और कितनी बढ़िया एकदम लग रहे हैं। और पीली मिर्च डाली भैया ने, जो एक टेस्ट को ना आपको बहुत ज्यादा बढ़िया बना देगा। और देखिए कितने प्यार से टूट रहे हैं इनके भल्ले। क्या बात है भाई, वाओ यार वाओ, बहुत नाइस भैया। अच्छा लगा मेरे को आपने कि साफ सफाई भी आपकी अच्छी है। हाँ, और आपके ये भी बढ़िया है। ये देखिए जी कितने बढ़िया लग रहे हैं। पापड़ी भी एकदम सॉफ्ट है, तो मजा आ जाएगा आपको खाने में। तो आप ये बता दो घूमते कहाँ पे हो जल्दी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। हम 5 ही नंबर में रहते हैं। अच्छा, 5 ही नंबर में रहते हैं। हाँ जी, मैं 9:30 बजे 10 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, माल जब तक निकल नहीं जाता तब तक। अच्छा, नहीं जाता। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज शेयर जरूर कर देना। कोई नंबर होगा आपको, कोई फोन करके बुला ले। जैसे बुलाएंगे उसके लिए मेरे टाइम चाहिए, तुरंत सुबह माल तैयार कर पाते हम 11-12 बजे तक। अच्छा, हाँ जी, पूरा माल सुबह बनता है। तो 12 बजे के बाद आपको कोई भी कॉल करके बुला सकता है? हाँ जी। कोई नंबर है आपका? हाँ जी, बोलिए बताइए। 70-42-22-16-77 777। तो भाई ये है पटेल जी का नंबर, इस नंबर पे कॉल करके आप पूरे NIT 5 में, NIT 1 में भी मिल जाओगे। नहीं, 5 नंबर में। ओनली NIT 5 फरीदाबाद के अंदर आप कहीं भी कॉल करेंगे तो आपको NIT 5 में यहाँ पे इनके स्पेशल दही भल्ले मिल जाएंगे। और यहाँ पटेल जी इनका नाम है, देख लीजिए इनकी शक्ल याद कर लीजिए। अगर आपको NIT 5 में कहीं घूमते फिरते भी दिखते हैं तो इनके दही भल्ले जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी होते हैं।